रात 9 बजे टीवी में आस्था भजन में सुनिए और 6:50 पर रात को आस्था चैनल में सुनिए और यूट्यूब में सुनिए, फेसबुक में सुनिए, व्हाट्सएप में सुनिए और वो सत्संग को व्हाट्सएप में डालिए, आगे बढ़ाइए, यूट्यूब में आगे शेयर कीजिए और अपने स्तर से उसको फेसबुक में भी शेयर कीजिए, ट्विटर में ट्वीट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, हमारे प्रचारक भक्त बनो। जब समय मिले तो ये काम करो अपने मोबाइल पर और लोगों को बताइए कि गुरुजी का सत्संग आता है 9 बजे रात में, सुना करो। अभी तो उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, सब तरफ से संकट में घिर जाओ, बेटी जवान हो गई है, विवाह करने योग्य है, कर्जा अलग लदा हुआ है, वाइफ बीमार चल रही है, पिताजी को लकवा मार गया है, मकान भी टपक रहा है, गिरने वाला है और गाड़ी चोरी में चली गई है, केवल तुम ठीक ठाक बचे हो तब भी चिंता मत कीजिए, एक काम कीजिए। क्या काम बता रहा हूँ, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। क्या बात है, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, फिर भी चैन ना मिले तो, फिर भी मन को मिले न चैन यदि, सदगुरु की शरण में चले आइए, सदगुरु की शरण में चले आइए। फिर सीधे खजूरी चले आइए, डायरेक्ट दर्शन कीजिए। अभी एक सज्जन मेरे पास आए थे, पिछला गांव उज्जैन में था मेरा प्रवचन, भाट पचलाना में, श्री पुष्पेंद्र राठौर और उनके साथी गण सब करा रहे थे। तो वो सज्जन ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताया, बोले मेरे पत्नी के 3 लड़कियां हो गई, तो मैं सोचा आपसे आशीर्वाद ले लूँ कुछ, तो आप तो बहुत दूर रहते हो, आप मिले ही नहीं। तो बोले मैंने अपनी पत्नी को एक सेव फल लेकर आपका नाम बोलकर श्री असंग देवाय नमः ले खा ले, अब की लड़का होगा, वो लड़का हो गया। तो मैंने कहा मेरे नाम से तुम बाजी मार ले गए, बोले आपको पता ही नहीं फायदा हो गया। बोले हमने कहा घर ही में दे दिया, बोले अपनी वाइफ को दिया। गुरुदेव की कृपा के लिए आप सत्संग में आ जाए, और जितना ज्यादा दुख घर में बढ़ रहे हो, समस्याएं बढ़ रही हो, संकट बढ़ रहे हो, पीड़ा बढ़ रही हो, उतना ज्यादा प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। एक एक प्रवचन की लाइन तुम्हारी जिंदगी की लाइन को बदल देगी, एक एक सेंटेंस आपकी टेंशन को मिटा देगा और एक एक बात आपकी बिगड़ी बात को बना देगी और आपके घर में जो कलह क्लेश है उसको मिटा करके आपके घर में शांति स्थापित करेगा। तो प्रवचन करेगा, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। कभी घबराना मत, भगवान श्री राम के जीवन को उठा कर देखो, सीता का विवाह करके अविद्या को आते हैं, 14 वर्ष के वनवास की उलझन आ जाती है, लेकिन वे घबराते नहीं, चल पड़ते हैं और सीता से कहते नहीं कि तुम साथ चलो लक्ष्मण, तुम साथ चलो, क्योंकि अकेले वनवास हुआ था, पर वो साथ में चल देते हैं तो उनको मना नहीं करते कि आइए ठीक है। वनवास में पहुंचे तो वहां राक्षसों से संघर्ष शुरू हो गया, सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, समस्या पर समस्या बढ़ती गई,
चित्रकूट में पहुंचने पर समाचार मिला कि राजा दशरथ परलोक चले गए, मृत्यु हो गई, माताएं विधवा हो गईं, अविद्या तहस नहस हो गई, ये कितना लफड़ा हो गया। लेकिन भगवान राम ने कहा कि जिस मेरे पिता ने मुझे वनवास दिया है, इसी चक्कर में परलोक चले गए, अभी राम वापस लौटकर अविद्या नहीं जाएगा, 14 वर्ष वनवास में ही बिताएगा, ताकि मेरे दिवंगत पिता की आत्मा को भी शांति मिले कि मेरे बेटे ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को झांक कर देखिए, जन्म हुआ जेल में, पालन हुआ नंदगांव में, बचपन में गौएं चराया, राक्षसों ने उनको सताया, बचपन से ही राक्षसों को मारा पीटा, बांसुरी बजाया, बड़े खुश रहे, दूसरों के घर में घी मक्खन चुराया। सब संघर्ष करने के बाद फिर मथुरा आए, कंस को मारा, उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया, पढ़ने के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश आए, यहाँ शिक्षा प्राप्त किया, फिर मथुरा वापस लौट गए, जरासंध से संघर्ष किया, उसके बाद फिर वे कौरव पांडवों की समस्या में जा करके समाधान ढूंढने लगे, वहाँ पर पूरा जीवन बिताया और कौरव पांडवों के बीच में नेतृत्व करते रहे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी कितनी उलझने थीं, याद रखना, तुम्हारे देश का भगवान भी समस्याओं में गुजरा हुआ भगवान है, संघर्षों में गुजरा हुआ भगवान है, और तुम देश के इंसान हो, अगर तुम्हारी जीवन में समस्या और संघर्ष नहीं है, इसका मतलब तुम मुर्दा हो, जिंदा नहीं हो, जिंदा जिंदगी में संघर्ष तो होते ही है। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए, फिर भी मन को मिले नाचे यदि, सदगुरु की शरण में चले आइए, सदगुरु की शरण में चले आइए। कभी आपके जीवन में दुख आ जाए, मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप रोने के लिए मत बैठ जाना, दुख की घड़ियों में भी ऐसे हंसना जैसे गुलाब का फूल कांटों की गोद में हंसता है। दुनिया का कोई दुख तुमको रुला न सके, दुनिया का कोई सुख तुम्हारे अंदर अभिमान न पैदा कर सके, और दुनिया की कोई ताकत तुमको चिंता में न डाल सके। निश्चिंत रहने का अभ्यास कीजिए, प्रसन्न रहने की प्रैक्टिस कीजिए, और हंस करके जिंदगी जीने की कला सीखिए, और अपने घर परिवार की उलझनों को हंसते हंसते समाधान कीजिए। साहेब बंदगी बोलिए। तो मैं आपको एक कथा सुना रहा था, बड़ी प्यारी कथा थी, कि एक राजा ने अपने 2 बेटों को बुलाया और 50-50 रुपये दिए, यही कथा थी ना, जीवन का महत्व बता रहा था। राजा दोनों बेटों से कहता है, 50 रुपये में ऐसा कोई सामान खरीद कर लाओ जिससे कि तुम एक एक कमरा को भर सको। तो बड़े लड़के ने विचार किया कि 50 रुपये में कौन सा सामान मिल सकता है। तो नगर पालिका के मजदूर कर्मचारी गंदगी साफ कर रहे थे मोहल्ले में, उनको 50 रुपये दिया और कहा कि आज की गंदगी सब मेरे कमरे में भर देना, कूड़ा कचरा। तो नगर पालिका के कर्मचारियों ने धन्यवाद दिया कि दूर फेंकने जाना पड़ता था, तेरे कमरे में भर दूंगा, 50 रुपये ऊपर से और मिल गए। मूर्ख के साथ में जिनको फायदा होता ना, वे धन्यवाद भी मूर्ख को दे देते हैं, वो समझते हैं कि अगर ये मूर्ख ना होता तो हमें फायदा भी ना होता, इसलिए इसकी मूर्खता को भी धन्यवाद दे दो, क्योंकि अपना तो प्रॉफिट ही है। उसको धन्यवाद दिया और शहर का कचरा सब कमरे में भर दिया। उस बड़े लड़के ने दरवाजे में ताला मारा, चाबी अपनी जेब में रख ली और पूरा कमरा फुल हो गया।
और बड़ा खुश है कि पिताजी को बताऊंगा, पिताजी भी खुश हो जाएंगे। दूसरा लड़का जो था, छोटा लड़का, उसने दूर की सोची। वो बाजार गया, विचार करने लगा क्या करूं। तो 10 रुपये की दाल, 10 रुपये का चावल, 10 रुपये का आटा, 10 रुपये की सब्जी, 5 रुपये का मसाला, 1 रुपये की अगरबत्ती, 1 रुपये की मोमबत्ती खरीदा और ला करके कमरे में सामान रख दिया। मोमबत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी और पिताजी को सूचना दे दी कि पिताजी कमरा भर चुका है। उसी कमरे में बैठकर ध्यान लगा लिया। पिता जब आया तो उसने बड़े बेटे से कहा, तू अपना कमरा पहले दिखा दे, क्योंकि तू बड़ा है, तेरा हक है, पहले दिखा। तो उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो पिता ने देखा कमरे में गोबर, गंदगी, टट्टी, कचड़ा सब भरा हुआ है। सब दीवारें गंदी हो गई, खिड़की गंदी हो गई, अलमारी गंदी, छत में सब गंदगी लगी। तो पिता ने कहा कि तूने तो कचड़े से भर दिया बेटे, तो 50 रुपये में क्या सोने चांदी से भर जाएगा? जो मूर्ख होता ना, वो तर्क तुरंत कर देगा, विवेक नहीं करता है। समझदार आदमी थोड़ा विचार कर तर्क करता है, उचित तर्क करेगा, फालतू नहीं करेगा, धन्यवाद दे देगा। तो राजा ने सोचा इससे बात लड़ाना अच्छा नहीं है। समझदार आदमी किसी से बात लड़ाना पसंद नहीं करता है, और ना समझ आदमी दिन रात बात लड़ाने में ही पड़ा रहता है। बात लड़ाने से समय बर्बाद होता है, प्रेम खत्म हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है और हार जीत के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन लोग बन जाते हैं। इसलिए बात लड़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा उठाना है तो बहसबाजी छोड़ दीजिए, सही रास्ता अपना लीजिए और उचित बात को स्वीकार कीजिए। छोटे लड़के के पास में जाकर पूछा राजा ने कि बेटा तुम्हारा कमरा दिखाओ। उसने कहा आइए पिताजी। दरवाज़ा खोला और पिता को कमरे के अंदर बिठाया तो कहा तेरे कमरे में क्या सामान है? बोले पिताजी 10 रुपये की दाल, 10 रुपये का चावल, 10 रुपये का आटा, 10 रुपये की सब्जी लाया हूँ और थोड़ा 5 रुपये का मिर्च मसाला भी लाया हूँ, तेल मिर्च मसाला, 1 रुपये की अगरबत्ती, 1 रुपये की मोमबत्ती और 3 रुपये शेष बचे हैं, आपको वापस लौटा रहा हूँ। अगरबत्ती जला दिया हूँ तो कमरा खुशबू से भर गया है और मोमबत्ती जलाया हूँ तो कमरा रोशनी से भर गया है। कमरा खाली का खाली भी है, भरा का भरा है और 1-2 दिन खाने का प्रबंध भी हो गया और 3 रुपये बच भी गए। तो बाप ने कहा तू महान है और तू ही मेरी गद्दी को संभाल सकता है। राजा ने अपने छोटे बेटे को गद्दी दे दी कि तू संभाल। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हमें आपको भी ये मनुष्य जीवन का कमरा मिला है और मनुष्य जीवन में 100 वर्ष की उम्र मिली है, 50 वर्ष की उम्र मिली है। ये 100 वर्षों में हम जिंदगी के कमरे को किस चीज़ से भरते हैं? बुराइयों के कचड़े से भरते हैं, अवगुणों के कचड़े से भर देते हैं, गंदी गंदी आदतों के कचड़े से भर देते हैं कि हम अपने जीवन में ज्ञान की मोमबत्ती जला करके ज्ञान की रोशनी से जिंदगी का कमरा भरते हैं, या कि सत्कर्मों की खुशबू से अपने जिंदगी के कमरे को भरते हैं, या कि जिंदगी में कुछ हम ऐसा करते हैं जो खुद खाएं और दूसरों के खिलाने का भी इंतजाम कर देते हैं। हम अपनी जिंदगी को किस चीज़ से भरते हैं? रावण ने भी अपनी जिंदगी के कमरे को भरा था बुराइयों की बदबू से और राम ने अपनी जिंदगी के कमरे को भरा था सत्कर्मों की सुगंध से। आप भी अपने को सुगंध से भरिए तो आपका जीवन धन्य माना जाएगा। मनुष्य जीवन पाने के बाद जिसके पास में विद्या नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई हुनर नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। चाणक्य कहते हैं उससे तो पशु अच्छे हैं। एषां न विद्या न तपो न दानम। और जिसमें तप नहीं है, तपस्या नहीं है, तपस्या की कमी होगी तो समस्या की अधिकता होगी और तपस्या बढ़ेगी तो समस्या घटेगी।
तपस्या किसे कहते हैं? बड़े गौर से समझना, आपके फायदे की बात है ये। तपस्या किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में तपस्या का अर्थ धर्म के लिए कष्ट को सहना तप कहा गया है। ये पांच कुंड अग्नि के खोद कर तापना तप नहीं है, कृष्ण कहते ये तप नहीं है, धर्म के लिए कष्ट को सहना। धर्म क्या है? पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, ड्राइवर का धर्म, पड़ोसी का धर्म, दादाजी का धर्म, मुख्यमंत्री का धर्म, प्रधानमंत्री का धर्म, विधायक का धर्म, कर्मचारी का धर्म, अधिकारी का धर्म, धर्म का अर्थ है। तो धर्म के लिए कष्ट सहना, क्या धर्म के लिए भी कष्ट सहना पड़ता है? हाँ, सहना पड़ता है। कैसे सहना पड़ता है? धर्म के लिए कष्ट। जैसे मान लिया तुम किसी के माता पिता हो, आपके घर में गरीबी है, तो एन केन प्रकारेण मजदूरी करके, मेहनत करके आप अपने परिवार को पालते हो, तो आप अपने माता पिता का धर्म तो निभा रहे हो, लेकिन उस धर्म को निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत और बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। इस कष्ट को सह करके भी आप अपने परिवार को पाल लेते हो, इसको श्री कृष्ण भगवान ने तप कहा है। यही तपस्या है। और जिससे अभी मैं प्रवचन करता हूँ, प्रवचनकार का भी धर्म होता है। बादल घिरे हैं, ठंडी है, रात में देर में सोए हैं, लेकिन फिर भी प्रवचन देना मेरा धर्म है। आराम कम मिले, कष्ट सहकर प्रवचन देना चाहिए, क्योंकि ये हजारों आत्माएं प्रवचन सुनने के लिए आई हैं, ये मेरा धर्म है। और जब मनुष्य अपने अपने धर्म को निभाता है, तो याद रखना, घर के भी दुख कम हो जाते हैं, प्रदेश के दुख कम होते हैं, देश के दुख कम होते हैं, शरीर के दुख भी कम हो जाते हैं। यदि डॉक्टर अपना धर्म सही सही निभाए, तो रोगी को आराम मिलता है। यदि माँ बाप सही सही अपना धर्म निभाएं, तो उनका बच्चा अपने भविष्य को सुनहला बनाता है। और यदि गुरु अपने धर्म को निभाए, तो शिष्य भी सुखी रहता है। और शिष्य अपने धर्म को निभाए, तो गुरु भी प्रसन्न रहता है। जब अपने अपने धर्म को तुम निभाते हो, तो दूसरों को भी प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति होती है। जब एक पत्नी अपने धर्म को निभाती है, तो उसका पति खुश रहता है। और पति अपने धर्म से विचलित नहीं होता है, तो उसकी पत्नी को आनंद मिलता है। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाइए कि हम अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, कभी विचलित नहीं होंगे, तो आपका घर आनंद का सागर बनेगा। धर्म शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और यही एक ऐसा चीज है धर्म। तुम विदेश चले जाओ, अमेरिका में जाओ, तो हिंदुस्तान यहां छूट गया, यहां का ट्रैक्टर ट्राली यहां रह गया, और पैसे ले गए थे तो जेब कट गई, और एटीएम था वो कोई चुरा ले गया। अब वहां तुम्हारे पास कुछ नहीं, भाई बहन सब इधर रह गए, दोस्त यार सब इधर, तुम अमेरिका में, तो वहां तुम्हारा दोस्त कौन है, वहां मित्र कौन है? विद्या मित्रम प्रवासेश, विदेश में परदेश में मनुष्य का मित्र यदि कोई है, तो विद्या है। विद्या यानी तुम्हारी कला, तुम्हारी योग्यता, वो तुम्हारा मित्र है। वो कोई नहीं छीन सकता, जब तक तुमको मार डाले तो भी नहीं पाएगा। इसलिए आदमी को विद्या रूपी धन कमाना चाहिए। जैसे आपको घर से निकाल दिया जाए, और यदि आप में गाड़ी चलाने की कला है, तो कहीं अपनी रोटी धोती का इंतजाम गाड़ी चला करके कर लोगे, लेकिन आप में कोई कला ही नहीं है, तो तुम भूखों भटकते रहोगे। इसलिए इंसान को कलाकार होना चाहिए, विद्याएं सीखना चाहिए, हुनर सीखना चाहिए, और अपनी योग्यता को विकसित करना चाहिए, तो इंसान कहीं भी रहे उसको दुख नहीं आएगा।
एषाम न विद्या, विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च। और घर में तुम्हारा दोस्त कोई है तो तुम्हारी पत्नी है। जब तुम बीमार होते हो तो पंखा लेकर डुलाने के लिए बैठ जाती है, पानी गर्म करके ले आती है, तुम्हारे कपड़े धो देती है, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में खड़ी रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरे पति अच्छे हो जाए। उत्तर प्रदेश में तो एक पर्व मनाया जाता है, पति की उम्र बढ़ाने का पर्व, जिसको करवा चौथ कहते हैं, यहाँ भी मनाया जाता है। अच्छा, इधर भी उम्र बढ़ाई जाती है। तो उस करवा चौथ पर्व में सभी स्त्रियाँ जो सुहागवती हैं वह दिन भर व्रत रहती है, और फिर पति की उम्र बढ़ाने के लिए शाम को पूजा करती है। और पूजा में क्या करती हो तो मुझे नहीं पता है, पर इतना ही पता है, कभी देखा नहीं हूँ, चांस मिलेगा देखूँगा क्या मंत्र वंत्र बोलती है। तो वो उनकी पूजा, वो उनका व्रत, वो उनका त्यौहार केवल पति की उम्र बढ़ाने का त्यौहार होता है। पतियों को ध्यान देना चाहिए, और आज तक कोई पति ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी की उम्र बढ़ाने का त्यौहार मनाता हो या व्रत रहता हो, क्योंकि हर पति लगता है अपनी अपनी पत्नी से परेशान हो गया, सोचता है जल्दी मर जाए तो छुट्टी है, नहीं तो तुमको तो व्रत करना चाहिए ना। लेकिन वह जो भी करती है अपने पति के लिए, और ऐसी नारियों को मेरी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है जो पति व्रता धर्म को निभाती हैं, पति के लिए व्रत रहती हैं और पति के लिए पूजा करती हैं कि मेरे पति की उम्र बढ़ जाए। तो मैं इन पतियों से कहूँगा, तुम अपनी पत्नी के लिए प्रवचन सुन लेना, गुरु की भक्ति कर लेना, तो आपकी पत्नियों की प्रसन्नता बढ़ जाएगी, इनका आनंद बढ़ जाएगा। तो करवा चौथ पर्व होता है, विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च। आपकी घर में कोई मित्र है तो तुम्हारी पत्नी है, इसलिए उसको भी संभाल कर रखना चाहिए। मित्र भाव से उसके साथ रहिए। व्याधि तैषधम मित्रम, और जब मनुष्य बीमार होता है, उसको रोग लगता है, तो उसका मित्र है औषधि, दवाई। उस समय तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना, अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन यदि हो रहा है तो उस समय आपका मित्र है दवा, औषधि। और औषधि में सबसे अच्छी औषधि आयुर्वेदिक औषधि होती है। कौन सी? आयुर्वेदिक, जड़ी बूटियों की औषधि। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बीमारी जड़ से निकलती है। और आयुर्वेदिक औषधियों में इस समय वर्तमान में बहुत सारी कंपनियां हैं, वैद्यनाथ, झंडू, धोत पापेश्वर, ऊंझा, डाबर, पतंजलि, श्री चेमन, ये बहुत सी कंपनियां हैं, और भी होंगी मुझे मालूम नहीं। लेकिन इन कंपनियों में वर्तमान में पतंजलि की दवाएं और श्री च्यवन की दवाएं, च्यवन ऋषि हुई हैं, बहुत बड़े ऋषि, उनकी कंपनी की औषधियां बहुत टॉप की हैं, च्यवन ऋषि की कंपनी। रामबाण औषधियां हैं, अभी च्यवन ऋषि कंपनी की दवाइयों का स्टॉल यहां पर लगा हुआ है, चमत्कारिक दवाएं हैं। जिसका पेट बड़ा हो, जिसका पेट कड़ा हो, जिसका पेट बढ़ता ही जा रहा है, जिसका पेट पूरा इंडिया गेट हो गया, उसके लिए रामबाण औषधि है, उसका नाम है मेदोहर। क्या नाम है? मेदोहर। पेट खत्म, केवल पीठ बचेगी, पेट नहीं रहेगा। केवल आधा चम्मच से भी कम खाना है पानी के साथ, और बस सुबह काम फाइनल हो गया आपका। दूसरा है, पेट में कोई गड़बड़ी है, उदरामृत चूर्ण, वो भी थोड़ा सा, कैसे खाना आप देख लेना, मेरे को पता नहीं।
तीसरा च्यवन आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध औषधि है, घुटना दर्द, कमर दर्द, जॉइंट दर्द की एनार्ट पाउडर एंड महा दर्द नाशक मालिश तेल, एकदम टॉप का। तुम्हारे पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला ने उसका प्रयोग किया था, उनको बहुत फायदा हुआ था। वर्तमान पीडब्ल्यूडी के मंत्री रामपाल सिंह, उनके वाइफ को दर्द था, उन्होंने 3 दिन में आधा फायदा हो गया था। तो मेरे को फोन किया था कि और चाहिए, तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो बोले आपके सत्संग में दुकान लगी थी, तो हमने कहा वो दूसरे लोग उनसे मंगा लो आप, हम तो इसमें नहीं पढ़ते हैं, टाइम भी नहीं हमारे पास। तो उनको भी बहुत फायदा हुआ। अब मैं तो अभी खाया नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन किसी को ज़रूरत हो तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए आप। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे आपको इन्फेक्शन है तो एक दवा आती, मेरे को नाम नहीं मालूम, उसको पंप मारना पड़ता है तो नाक में शट चली जाएगी, तो आपको छींक आना, जुखाम होना, जल्दी जल्दी सब ये कुछ होना, धूल से होना, एलर्जी होना, ये सारा खत्म। वो देख लेना कौन सी, मेरे को नहीं पता। तो औषधि की जानकारी भी रखना चाहिए। औषधि बीमारी दशा में तुम्हारी दोस्त है, लेकिन मृत्यु के समय तुम्हारा दोस्त कौन है? मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र कौन है? क्या धन तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं जाएगा? क्या ये गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी खेती बाड़ी ये सब साथ में जाएगी, नहीं जाएगी? क्या ये बेटा बेटी बहू ये सब साथ में जाएगी, नहीं जाएगी? क्या ये घर मकान दुकान पकवान ये सब साथ जाएगा, नहीं जाएगा? तो मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र कौन है उसका पता लगाना है। चाणक्य ने कहा है कि मृत्यु के समय यदि जीव का कोई मित्र है तो वो केवल और केवल धर्म है, धर्म ही जीव के साथ में मित्र बनकर जाता है, बाकी कोई साथ में नहीं जाता है। धर्मो मित्रम मृतस्य च, मृत्यु के समय धर्म ही तुम्हारा मित्र है, इसलिए धर्म कमाना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की तुम रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और आप ये मत कहो कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया तो मैं भी अपना धर्म छोड़ दूंगा, ये बराबरी मत करो। आपके बड़े भाई ने यदि अपना धर्म छोड़ दिया है तो तुम अपना धर्म मत छोड़ना, तुम अपने धर्म का निर्वाह कीजिए। आपका पति यदि धर्म से थोड़ा विचलित चल रहा है लेकिन तुम सती सीता सावित्री बन करके अपने धर्म से विचलित मत होना, एक दिन तुम्हारा पति भी धर्म की राह पर आ जाएगा और तुम्हें सफलता मिल जाएगी। धर्म को निभाओ। गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, ये बहुत बड़ा धर्म है। एक आदमी नाव चला रहा था, मैं भी उसमें बैठा था, गुजरात में शुक्ल तीर्थ में नर्मदा नदी में। तो उसमें एक नाव में 3 नाव जोड़ दिया उसने रस्सी से, तो पीछे वाली नाव थोड़ा लड़खड़ा गई, उस बच्चे लोग थे इधर उधर भागने लगे, बैलेंस बिगड़ गया। तो नाविक जो था, उसमें कई नाविक रहते हैं, तो उसने कहा सब शांत बैठो, घबराओ मत, इधर उधर मत करो, ये मेरा धर्म है कि नाव को डूबने से बचाना है, कोई किराया दे या न दे लेकिन आपकी जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं आपकी नाव बचाऊंगा, किसी तरह बचाऊंगा। 10 नाविक जुट गए और उस नाव को डूबने से बचा लिया। उस नाव में मैं भी बैठा था, तो मैंने कहा हरि ओम तत्सत, डूब जाओ अभी सब। तो अपने तो डूबने का डर नहीं, क्योंकि कोई लफड़ा है भी नहीं, ना पत्नी है ना पतना है, जो कुछ है सब इतना है, ना बच्चे हैं ना कच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, घर द्वार भी नहीं है, बस प्रवचन करो, सत्संग करो, डूब जाओ, मौज हो जाए, छुट्टी मिल गई, लफड़ा खत्म, फिर पंडाल में आने नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने कहा मेरा धर्म है नाव को बचाना। यदि तुम ड्राइवर हो, भले ही बैठने वाले यात्री
कुछ गड़बड़ी करते हैं, आपको कठोर बोल देते हैं, लेकिन ड्राइवर को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कभी जानबूझकर गाड़ी को टकराना नहीं चाहिए। ऐसा ड्राइवर महान होता है और यही धर्म उसके साथ मरने के बाद में जाता है।